सलार अभी लास्ट सेक्शन में भी सब आ जाएंगे तो फिर एक फाइनल स्नैप ले लीजिएगा। तो पहली वाली भी मुझे भेजे हैं ताकि फिर पता चल जाए कि उस वक्त 18 स्टूडेंट्स थे हमारे। अल्लाह तेरा शुक्र है मालिक। बस अभी ये सब ज्वाइन कर रहे हैं फिर मैं दोबारा से स्टार्ट कर रही हूँ चीज़ें। कितना आ गए हैं स्टूडेंट्स? एक दो मिनट और वेट कर लेते हैं फिर स्टार्ट करती हूँ। चले जी 13 तक तो आ गए, मैं तो स्टार्ट कर लेती हूँ। ठीक है जी, अब ये जो न्यूरोफेडर था ये क्या कर रहा है कि आपका जो मूड का इफेक्ट होता है, कॉग्निशन है, अलर्टनेस है, यानी कि दिमाग अलर्ट रहता है, कोई भी खबर आ जाती है या किसी चीज़ को अलर्ट शो कर रहा होता है। बाज़ार देखें, हम कहीं जाने से पहले हमारा दिल घबरा रहा होता है, हम उस बात को नहीं मानते। तो हम उस बात को नहीं मानते हैं। ठीक है ना, तो ये कॉग्निशन क्या है? एक्शन का रिएक्शन, यानी कि जो सोचते हो उसका रिएक्शन कैसा होगा। अच्छा सोचोगे तो अच्छा रिएक्शन आएगा, बुरा सोचोगे तो बुरा रिएक्शन आएगा।
ठीक है ना, फंक्शनिंग सीवी फंक्शनिंग का मतलब ये कि पूरी बॉडी आपके पास सामने खुलकर मौजूद होती है। स्लीप एंड अराउजल इनएफिशिएंसी डेवलप डिप्रेशन, यानी कि क्या हो जाता है कि स्लीप हो जाता है, अराउज हो जाता है, इनएफिशिएंसी डेवलप डिप्रेशन हो जाता है, यानी कि आपकी जो है वो इनएफिशिएंट जो है वो डिप्रेशन जो है वो सामने आता है, जिसकी वजह से जो है ये चीज़ें, यानी कि इनकी इनकी कॉज भी बता रहे हैं कि इन्फ्लुएंस किस किस पे शामिल है। वहाँ अगर ऊपर वाले में है कि अगर स्लीप इन्वॉल्व है, अराउजल मूवमेंट है, लेकिन इन्फ्लुएंस कहाँ कहाँ पड़ रहा है, लर्निंग पर और मेमोरी पर और कॉन्सेंट्रेशन पर। यहाँ पर क्या हो रहा है कि जी आपकी जो है इनएफिशिएंसी डेवलपमेंट आएगी, यानी कि डिप्रेशन आने लिया गया। डिप्रेशन जो होता है वो इनएफिशिएंसी होती है। अच्छा, डिप्रेशन अच्छी बात का भी होता है और बुरी बात का भी होता है। अब जैसे आप अच्छी इवेंट हो रहे होते हैं, हमें टेंशन हो रही होती है कि भाई अच्छे से अच्छा इवेंट हो जाए, ये बुरी बात नहीं है। अच्छा ही अच्छे से अच्छा अच्छा करने के लिए भी हमें डिप्रेशन रहता है, तो ये भी आपके पास जो है वो चीज़ मौजूद है। इंट्रोफिन्स क्या है जी, रिड्यूस पेन, ऑफन कॉल्ड प्रेजर केमिकल। यानी कि एंड्रोफिन्स क्या होता है, रिड्यूस पेन्स, ऑफन कॉल्ड प्लेजर केमिकल, यानी कि पेन को क्लियर कर देता है और उसको कहाँ पर रिकमेंड कर रहा होता है के प्लेजर केमिकल सामने आते हैं, यानी कि प्लेजर्स आपकी खुशी, आपकी खुशी जो है वो सामने आ रही होती है। ठीक है जी, तो अब ये इसका रिएक्शन क्या हो रहा है कि ये प्लेजर्स केमिकल्स को ले आता है और पेन को रिड्यूस करता है। पेन इन एवरीथिंग, बाय हार्ट, बाय हैंड, बाय स्टमक, बाय किडनी। तो ये अगर जैसे रिलीज होता है तो फौरन आपके पास एक रिलैक्सेशन आती है, आप फील फ्री हो जाते हैं, रिलैक्स्ड हो जाते हैं, तो उसके हवाले से है। अच्छा जी, डोपामाइन इफेक्ट्स मूवमेंट कोऑर्डिनेशन, इमोशंस, वॉलंटरी जजमेंट एंड रिलीज ऑफ प्रोलोकेशंस, इमोशनल अटैचमेंट व्हेन एक्सीड डेवलप, तो सिज़ोफ्रेनिया हो जाता है, एडिक्शन हो जाता है, डिप्रेशन कॉजेज एंड नॉन सेक्सुअलिटी। यानी कि ये भी बड़ी ख़तरनाक आपकी जो है अफेक्शंस हैं कि आप कोऑर्डिनेट कर रहे हैं इमोशन से और वॉलेंट्री जजमेंट कर रहे हैं। जब आप वॉलेंट्री जजमेंट करते हैं तो लाजमी बात है कि आप सोच समझ के नहीं कर रहे, जो जो इन्फॉर्मेशन आ रही है बस उसी के ऊपर काम कर रहे हैं, तो सोचना समझना नहीं होता। और जब वो एकदम इमोशनली अटैचमेंट हो जाती है और जब वो एक्सेस्ड हो जाती है, तो फिर वही आपको जो शिज़ोफ्रेनिया और ड्रग्स एडिक्टेड हो जाते हैं, तो वो इसी वजह से होते हैं जो हम एकदम जो डिसऑर्डर्स में चले जाते हैं। जैसे अगर मैंने बहुत अच्छी दोस्ती निभाई है, तो मैं इतनी ज़्यादा पजेसिव हूँ कि अगर जैसे ही उस दोस्त ने मुझे छोड़ दिया या मेरी सहेली ने मुझे छोड़ दिया, तो मेरे साथ जो हालत होगी तो मैं कहाँ जाऊँगी। ये क्योंकि एक्सेस्ड हो गया ना, तो शिज़ोफ्रेनिया का मरीज बन जाता है, भूलने लग जाता है, एडिक्शन हो जाती हैं उसे, या तो ड्रग्स एडिक्टेड हो जाता है या मूड स्विंग का एडिक्ट हो जाता है। तो ये क्या कहे, डिप्रेशन कॉज नॉन सेक्सुअलिटी, और जो है ये जो है वो नॉन सेक्सुअलिटी की तरफ ही जाती है, यानी कि इस तरह के डिप्रेशन जो हैं वो आपको नॉन सेक्सुअलिटी की तरफ ही लेकर जाते हैं। तो ये है जी, ये सेरो टॉर्नियन, यानी कि ये इफेक्ट्स क्या करता है, ये भी आपकी अराउजल है, लिबिडो है, एपेटाइट मूड है, अग्रेशंस हैं, पेन परसेप्शन है, कोऑर्डिनेशन है, जजमेंट है। ये क्या डेवलप कर रहा है, ये भी डिप्रेशन डेवलप कर रहा है। इस बात आपके मूड चेंज हो रहे हैं, अच्छा मूड होगा तो भी डिप्रेशन है, अग्रेशन है, पेन है, ये परसेप्शन है, ये सारी चीज़ें, जो जजमेंट है, देखो जजमेंट जो है वो एक्यूरेट नहीं होती है, जजमेंट ये होती है कि यार ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, तो दैट्स वाई ये और ऑलरेडी एक बड़ी कॉम्प्लिकेशन होती है, तो इसको भी आप एनजाइटी और डिप्रेशन की तरफ ले जाते हैं। ठीक है, तो ये वो सारी फीलिंग्स हैं, ये सारी चीज़ें हैं जिनकी वजह से, जिनके कॉजेज क्या क्या आते हैं, क्या क्या चीज़ डेवलप कर रहा है, कोई चीज़ जो है वो लर्निंग को डेवलप कर रहा है, कोई चीज़ जो है वो डिप्रेशन को डेवलप कर रहा है, कोई जो है वो एडिक्शन को डेवलप कर रहा है, कोई सिस्टम अगर डैमेज हो रहा है तो वो एनजाइटी को डेवलप कर रहा है, तो हिस्टामिन
क्या है कि रोल नॉट वेल अंडरस्टैंड, यानी कि हिस्टामिन का जो है वो अच्छे तरीके से जो है रोल डिफाइन नहीं हो रहा, ये इम्यून सिस्टम में है, यानी कि क्योंकि एलर्जी और इन्फ्लेमेटरी सिस्टम जो होता है वो हर एक का अलग होता है। अब किसी को जो है वो मछली से एलर्जी है, किसी को दूध पीने से एलर्जी है, किसी को चाय से एलर्जी है, किसी को कैफीन से एलर्जी है, किसी को टोबैको से एलर्जी है, मतलब हर किसी की अपनी अपनी एक इम्यून सिस्टम है। तो इसलिए जो हिस्टामिन जो है वो सही तरह से आप डिफाइन नहीं कर सकते, क्योंकि सालार का सिस्टम अलग है, मेरा सिस्टम अलग है, मेरा बहुत जो है वो वीक स्टमक है, तो मैं बहुत लाइट सी चीज़ें ज़्यादा खाना पसंद करती हूँ, मैं हार्श चीज़ें ज़्यादा पसंद नहीं करती। तो ये हर एक के ऊपर है, कोई जो है स्पाइसी फूड की तरफ जाता है, किसी को किसी बात से एलर्जी हो जाती है। वाटरमेलन अक्सर जो है वो लोग खाते हैं तो उनको डाइजेस्ट नहीं होता, तो वो उससे एलर्जी होते हैं, तो ये कोई मेडिसिन से एलर्जी हो जाती है। तो इस चीज़ से भी जो है वो हम चीज़ें क्लियर कर सकते हैं जी। एंडरनालाइन जो है रेज हार्ट ब्लड प्रेशर, रेजेज एनर्जी, मेक एनर्जी इन कॉम्पिटिशन, फाइट ऑन फाइट हारमोन्स, यानी कि आपकी हार्ट रेट को जो है ये इसके यहाँ पर हो रहा होता है, और इसका डेवलप सिस्टम क्या रहा है कि ये फाइट ही करता रहता है। फाइट करने के से मुराद ये है कि इंक्रीज ही हो रहा होता है, यानी कि डिक्रीज इंक्रीज की सिचुएशन में जो है वो रहता है, क्योंकि ब्लड प्रेशर कभी हाई हो रहा है, कभी कम हो रहा है, हार्ट बीट कम हो रही है, ज़्यादा हो रही है, तो ये चीज़ें जो हैं वो हमारे लिए जो है वो मुश्किल हो सकती है। तो ये बड़ा सिस्टम, ये वाला बड़ा जो है ख़ास सिस्टम है, और ये एक्स्ट्रो ऑक्सोटोनिक। तो ये एंडरलाइन जो है ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि हार्ट रेट जो है वही यही डिफाइन कर रहा होता है। और ये जो ऑक्सोटोकिन है ये इट इज़ रिलेटेड रिलीज थ्रू ऑर्गेजम, कडिंग, चाइल्ड बर्थ एंड ट्रस्ट, ऑफन टर्म्ड एज द लव हार्मोन्स, यानी कि ये तो डिपेंड ही कर रहा है कि आपके लव हार्मोन्स जो होते हैं वो उसी के ऊपर हो रहे होते हैं, और जाहिर सी बात आपका जो है बेबी डेवलप होता है या ट्रस्ट डेवलप होता है, ये सारे ये वाले जो ऑर्गेजम हैं ये रिलेट कर रहे होते हैं आपके इस इमोशन के साथ, यानी कि ये इस हार्मोन के साथ जो है वो जनरेट कर रहा है, जिसका नाम नहीं है वो ग्रुप में ऐड करवा ले भाई। और अभी एक और जो है वो स्नैप ले लें ताकि हमें पता चल जाए। ठीक है जी, तो ये वाला जो है ये लव हार्मोन से डेवलप होता है, क्योंकि लव हार्मोन से ही सारी ये चीज़ें जो है वो डेवलप होती हैं, और ये आपके बॉडी के अंदर मौजूद हैं, ये कोई गलत वो नहीं है कि सिस्टम है, जाहिर सी बात है अल्लाह ने बनाया हमारे सारे सिस्टम, और इसमें जो है वो उसको डिस्कस किया जा रहा है ताकि आपको ये समझ में आ सके जितने हार्मोन्स ये जितने सिस्टम है बॉडी के, ये जो साइको फार्माकोलॉजी है, ये कैटेगरीज ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर्स का सारी ये कैटेगरीज हैं, और हर एक कैटेगरीज के बेस पे क्या क्या चीज़ें जनरेट हो रही हैं, क्या क्या चीज़ें डेवलप हो रही हैं, वो यहाँ पर आपके सामने मौजूद है। सही जी, कॉर्टिसल इट किल्स सेल्स इन द हिप्पोकैम्पस एंड कैन लीड टू प्रीमैच्योर ब्रेन अगेन, ऑफन कॉल्ड द स्ट्रेस हार्मोन्स। देखें अभी हमारा जो हमने पिछला पढ़ा था कौन सा ये सिस्टम इन्होंने बताया, हिप्पोकैम्पस। अच्छा जी, हम फिर पीछे जाते हैं, इससे भी पीछे जाएं, तो ये है हमारा हिप्पोकैम्पस, और ये क्या बता रहा है, ये पूरा इंचार्ज कर रहा है आपकी मेमोरी सिस्टम को और आपके अग्रेशंस को और आपके सेक्सुअल सिस्टम्स को। सोचें जिस पे ये कह रहे हैं कि जी अगर ये सिस्टम डिसऑर्डर होता है तो ये जाहिर सी बात है स्ट्रेस हार्मोन्स डेवलप हो जाते हैं, इसके वजह से अगर आपका हिप्पोकैम्पस
सेल्स जो है वो किल हो जाए, मर जाए, तो ये प्री मेच्योर ब्रेन जो है एजिंग हो जाती है, यानी कि बचपन आ जाता है। फिर आपके अंदर के वो जो सारे जज्बात, एहसास और सारी मेमोरीज और सारी स्टोरीज जो है वो रिमूव हो जाएगी, आपके डिस्क बिल्कुल खाली है, फिर आपको नहीं पता कि क्या दिमाग में आया और क्या दिमाग से चला गया, ठीक है ना। तो ये इम्पोर्टेंट फैक्टर है। ठीक है जी, क्रोस्ट्रेल ने हमें ये बता दिया। और जो है टेस्ट्रॉन जो है, ये टेस्टोस्टेरोन जो है एंड एस्ट्रोजन, ये क्या है जी, कॉज सेक्स हार्मोन्स, ये दोनों जो है लाजमी बातें हैं, ये सेक्स हार्मोन्स को जो है वो डेवलप कर रहे हैं। अच्छा जी, अब हम आगे बढ़ते हैं। ये ऑटोमेटिकली अब आपको समझ में आ गया कि क्या चीज़ पेन कम होता है तो क्या चीज़ रिलीज़ हो रही है, अगर इसका इफ़ेक्ट जो है वो दूसरी चीज़ों पे क्या आ रहा है, ये सारी चीज़ें जो है वो हमें बताई जा रही है। बेटा ये इशू तो अब सबके साथ ही लगा हुआ है लाइट का, क्योंकि अभी हमें भी नहीं पता, क्योंकि आम दिनों में तो लाइटें अब जाती रहती हैं, अभी कब लाइट चली है कुछ पता नहीं हो सकता, तो इसलिए जब तक जिस जिस की क्लासेस चल रही हैं वो चलाता रहे। नेट का भी कोई इशू हो रहा है तो कुछ पता नहीं चल रहा है, नेट भी बार बार जो है, जब से ये जो तूफ़ानी हवा चली है और बारिश हुई है, तो इससे जो है ना नेट का इफेक्शन भी जो है बहुत ख़राब आ रहा है, तो वो भी बार बार डिस्कनेक्ट हो रहा है। अच्छा जी, थिंग्स दैट इन्फ्लुएंस न्यूरो ट्रांसमीटर्स एंड हारमोन्स, एस्टिलकोलिन जो है, एग्स, सोयाबीन्स, होल वीट प्रोडक्ट्स, रेड मीट, ठीक है जी, न्यूट्रोफाइन जो है वो क्या है जी, मिल्क है, योगर्ट है, बनानास है, यानी कि ये पूरा जो ट्रांसमीटर्स एंड हारमोन्स जो है वो थिंग्स जो हैं, जो चीज़ें जो हैं वो किस पे इन्फ्लुएंस कर रही हैं, न्यूट्रो ट्रांसमीटर्स और हारमोन्स पर है। अगर आप इन चीज़ों के हवाले से ये चीज़ें खाएँ तो ये चीज़ें इफ़ेक्ट करेंगी, ठीक है ना। तो ये भी बड़ा चलें, हमारे न्यूरो साइंस के साथ साथ हमें ये चीज़ें भी बताई जा रही हैं कि अगर आप जो है वो नॉरेफ्रिन के लिए अगर उसको एग्जीक्यूट करना चाह रहे हैं, इसको बनाना चाह रहे हैं, जो हमारा दूसरा पार्ट था, जो मूड जो है स्विंग्स कर रहा है, अराउजल कर रहा है, डिप्रेशन की तरफ लेके जा रहा है, तो उसके लिए आप ये सारी चीज़ें खाना भी शुरू कर सकती हैं, मिल्क है, योगर्ट है, बनाना है, यानी कि इन सब की हैसियत जो है उस चीज़ में वैसी ही है। मिल्क है, योगर्ट है, बनानास हैं, एलमंड्स हैं, सेजैन हैं, सेसम सीड्स हैं एंड स्पिनाच है और मीट्स, तो इससे जो है आपका ये जो न्यूरोफ्रेन में जो भी डिसऑर्डर्स आ रहे हैं, क्योंकि डिप्रेशन इन्वॉल्व हो रहा है, तो ये चीज़ों का अगर इस्तेमाल करेंगे तो डिप्रेशन भी रिलीज होना शुरू हो जाएगा। और एसिटोरिन में क्या है जी, आपका जो है वो पहले ही जो है वो लर्निंग है, मेमोरी है, तो जितनी आप ये वाली चीज़ें खाएंगे तो आपकी लर्निंग मेमोरी जो है वो बेहतर रहेगी। अच्छा जी, डोपामाइन में एंटीऑक्सीडेंट फूड्स हैं, लाइक फिश है, एप्पल्स हैं, स्ट्रॉबेरीज हैं, ब्लूबेरीज हैं, यानी कि एंटीऑक्सीडेंट हैं, तो उससे भी जो है वो आपका स्ट्रोन जो है, ब्राउन राइस है, पीनट्स हैं, कॉटेज चीज़ और ये सारी चीज़ें। हिस्टामिन में ये ओवरिप फ्रूट्स हैं जो हैं, वेजिटेबल्स, कोको, अल्कोहल, हाई लेवल्स ऑफ चिली पाउडर्स, तो ये हिस्टामिन है। ये हिस्टामिन में हमारे साथ क्या हो रहा था, ज़रा इसको भी ज़रा देख लेते हैं कि हिस्टामिन हमें क्या बता रहा था, कि ये एलर्जी है, तो जाहिर सी बात है एलर्जी हमें किसी भी चीज़ से हो सकती है, जैसे मैंने आपको बता दिया था कि ये वो चीज़ें जो एंड्रोफिन जो है वो चॉकलेट्स, परफ्यूम्स, ईटिंग स्पाइसेस, म्यूजिक, लाफ्टर,
तो ये अगर होगा तो आपके पास ये सारी चीज़ें नहीं आएंगी। यानी कि हम वो चीज़ें भी डिस्कस कर रहे हैं कि रेमेडी भी साथ साथ आपके पास आ रही है कि अगर ये चीज़ें आप करते हैं तो ये इन्फ्लुएंस करेगा, ठीक है ना। तो ये जो एंड्रोमिन में ये आपके आप जो है फाइट कर रहे हैं, तो फाइट करने के लिए यू हैव टू बी स्ट्रांग, और उसके लिए आपको जो है ये हर चीज़ जो है वो अपने आप को मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। तो आप जब इन चीज़ों को मेंटेन करेंगे कि आप किस तरह से अपने न्यूरो साइंस को जो है वो डेवलप कर रहे हैं और जो है एंड्रेनालाइन कैफीन है, सिट्रस फ्रूट्स हैं, बनानास हैं, कोका है, और जो है वैनिला है, रनिंग फास्ट फूड्स जितने भी हैं वो सारी आपकी जो है वो इसी चीज़ पर डेवलप कर रहे हैं। ठीक है जी। कॉर्टिसल क्या है जी? ओवर हीटेड वेजिटेबल्स हैं एंड सीड ऑयल्स हैं लाइक कनोला, कॉर्न, सोए एंड एक्सेसिव इनटेक ऑफ शुगर्स, अल्कोहल, क्रीम एंड कोलेस्ट्रॉल। ठीक है जी। तो ये सारी चीज़ें जो है वो आपके साथ शामिल हैं। और ये टेस्ट्रॉन एंड एस्ट्रॉन ड्राइड फ्रूट्स हैं, एप्रिकॉट है, यानी कि ये वो सारी चीज़ें हैं जो जिसके बेस पर आप जो है वो डेवलप कर रहे हैं और चीज़ों को बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है जी। तो ये वो प्रॉज एंड कॉन्स हैं जिनकी बेस पर चीज़ें डेवलप हो रही हैं और इनसे रिएक्शंस क्या आ रहा है। ठीक है। ये वो चीज़ें हैं जिनको खाएंगे तो आपके पास ये चीज़ें जो है वो रिमूव होनी शुरू हो जाएंगे, यानी थिंग्स दैट इन्फ्लुएंस न्यूट्रल ट्रांसमीटर्स एंड हारमोन्स। ठीक है जी। अब लेफ्ट वर्सेस राइट ब्रेन, ये आपका लेफ्ट है और ये राइट है। ये लॉजिक विजुअल, मैथ ऑब्जर्वेशन, स्ट्रेटजी शेप्स, ऑर्डर पैटर्न्स, थिंकिंग इमेजिनेशंस, राइट पॉसिबिलिटीज। फैक्ट्स अबाउट लेफ्ट एंड राइट ब्रेन, द राइट साइड ऑफ योर बॉडी इज कंट्रोल्ड बाय द लेफ्ट साइड ऑफ योर ब्रेन, द लेफ्ट साइड ऑफ योर बॉडी इज कंट्रोल्ड बाय द राइट साइड ऑफ योर ब्रेन। अच्छा जी, ये थोड़ा सा रिकॉर्डिंग हो गई है हमारी, तो ज़रा मैं इसको सेव कर लूँ। क्योंकि पूरी स्टोरीज हमारी जो है ना ख़त्म होती जा रही है इस पर। ठीक है बेटा। तो हमारी जो है ये फैक्ट्स अबाउट लेफ्ट एंड राइट ब्रेन्स, द राइट साइड ऑफ योर बॉडी इज कंट्रोल्ड बाय द लेफ्ट साइड ऑफ योर ब्रेन, द लेफ्ट साइड ऑफ योर बॉडी इज कंट्रोल्ड बाय द राइट साइड ऑफ योर ब्रेन। Most people are left brain dominant, even people who are left-handed writers. ठीक है ना। बहुत सारे left जो है वो right hand
पे भी लिखना लिखते हैं, बहुत ज़्यादा लेफ्टी भी होते हैं जो लेफ्ट साइड पे लिखते हैं. तो मोस्ट पीपल आर लेफ्ट ब्रेन डोमिनेट, इवन पीपल हु आर लेफ्ट हैंड राइटर्स. द लेफ्ट साइड ऑफ योर ब्रेन कंट्रोल स्पीच, रीडिंग, राइटिंग एंड मैथ. यानी कि पूरा जो लेफ्ट साइड है वो आपकी लॉजिक के ऊपर, राइटिंग के ऊपर, आपकी थिंकिंग के ऊपर सारा दिमाग काम कर रहा होता है. और जो राइट साइड है वो क्या करता है कि स्पेचुअल रिलेशनशिप, ऑब्स्ट्रक्शंस एंड योर फीलिंग्स, यानी कि आपकी ऑब्जर्वेशन, आपके इमेजिनेशन, आपकी पॉसिबिलिटीज, आपकी इन सारी चीज़ों के ऊपर काम कर रहा होता है. ठीक है ना? तो ये सारी चीजें हैं जी. तो हमारे पास जो इन्फ्लुएंस है लेफ्ट साइड का और राइट साइड का, तो इसको जरा देख लेते हैं. स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग, लिसनिंग, रीजनिंग, लॉजिक्स, ये लेफ्ट साइड पर है, ये आपका ब्रेन है. ये राइट साइड पे जितनी भी आपके इमोशंस हैं वो सब हैं. इंजरीज अगर ऑन द राइट साइड हो जाए तो क्या चीज़ कॉज कर सकती है? इंपेयरमेंट इन अटेंशंस, लेफ्ट नेगलेक्ट, मेमोरी इश्यूज, डिक्रीज अवेयरनेस, लॉस ऑफ बिग पिक्चर, ऑल्टर्ड क्रिएटिव और म्यूजिक परसेप्शन. और अगर लेफ्ट साइड हो जाता है तो आपकी जितनी भी अंडरस्टैंडिंग स्पोकन रिटन लैंग्वेज है, स्पोकन रिटन लैंग्वेज है, चेंजेस इन स्पीच, वर्बल मेमोरी, इम्पेयर्ड लॉजिक, ये सारी चीज़ें जो है वो, यानी कि अगर ये लेफ्ट साइड काम कर रहा है तो कितना वर्किंग कर रहा है, और अगर ये डैमेज हो जाता है या कोई इंजर्ड आ जाता है तो उसका क्या नुकसान आते हैं. और इसी तरह ये राइट साइड भी अगर ये वर्किंग कर रहा है तो इसका क्या जो है वो इन्फ्लुएंस है. और अगर ये चीज़ें जो है वो डिस्कस कर लेते हैं तो इसको ज़रा हम नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह डिटेल में डिस्कस करेंगे. फ़िलहाल जो है वो आज तक के लिए इतना ही काफ़ी है. ठीक है, ओके क्लास. और कुछ कहना है, कुछ पूछना है? मैं ये स्लाइड्स भी भेज दूंगी, ठीक है, रिकॉर्डिंग भी भेज रही हूँ. नो मैम. कुछ पूछना है तो पूछ लें. जज़ाकअल्लाह बेटा आप सब लोगों का. मिड टर्म का रिजल्ट देना है, बताना है मिड टर्म का रिजल्ट. फाइनल में नहीं चलेगा सब? चलें इंशाल्लाह फिर देखते हैं नेक्स्ट क्लास में जो है वो अपडेट करते हैं. ओहो क्यूरियोसिटी होती है. अब तुम लोगों अपने आप पे तो इतनी डिपेंडेंसी होनी चाहिए कि हालात तो अच्छे ही हैं. तुम लोगों इतनी तो डिपेंडेंसी होनी चाहिए ना, हालात तो अच्छे ही हैं बेटा, नो प्रॉब्लम एट ऑल.
हाँ बेटा क्लास डन हो गई है। और नहीं बेटा तुम सब लोग बहुत अच्छे हो इसलिए मेरा बिहेवियर, बल्कि वही बात है ना कि हम एक दूसरे के साथ अगर अच्छा बिहेव रखेंगे ही तो ही एक दूसरे का अच्छा साथ बना सकेंगे, वरना अदरवाइज कुछ भी जो है वो पॉसिबल नहीं हो सकेगा। ये सब एक दूसरे के साथ से चलता है, एक दूसरे की कॉपरेशन से चलता है। जब हम सब एक दूसरे को अंडरस्टैंड करते हैं तो फिर ऑटोमेटिकली हमें समझ में आ जाती है सिचुएशंस। अब देखें कितने बच्चों के आज भी सिचुएशन तो यही है, कभी किसी की लाइफ का मसला है, किसी का इंटरनेट का मसला है। तो ये चीज़ें जो हैं ये ऑटोमेटिक चीज़ें हैं और इसमें जो है ऑटोमेटिक रीजंस ही सामने आएंगे, जिसके ऊपर आप जो है वो कुछ भी नहीं कह सकते, सिवाय एक रूम की आह ले सकते हैं। हाँ बेटा हार्ड टाइम तो बहुत है, सर्वाइव करना है और बस यही है कि जो है सब मिल बांट के अच्छे से निकालें, क्योंकि सबके लिए प्रॉब्लम है, मेरे लिए आपके लिए, और जो है रोज़ ब रोज़ और चेंजिंग्स आती जा रही हैं और प्रॉब्लम्स आती जा रही हैं। तो बस ये दुआ करें कि अल्लाह ताला हम सबके लिए आसानी करे। देख रहे हैं कि रोज़गार नहीं है, पैसा नहीं है और चीज़ें इतनी डिस्टर्ब हो रही हैं, लाइट बिजली नए ये खर्चे डबल हो रहे हैं, महंगाई बढ़ रही है। चलें बेटा क्लास एंड कर देते हैं, ठीक है, सबको अल्लाह हाफिज़, अपना सब बहुत ख्याल रखिएगा। ओके अल्लाह हाफिज मैम। हाँ बेटा आप सब लोग अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा।